बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले कालखंड में हमने प्रतिबंधित कर्मचारी से संबंधित प्रश्नों को हल किया था और उसके पश्चात उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रश्न थे। वैसे ही कुछ प्रश्न उसी से ही संबंधित प्रतिबंधित संचय और पूरक संचय से ही संबंधित प्रश्न हमारे प्रश्नावली 5.8 में है। इसके पहले कुछ नया सूत्र वगैरह नहीं दिया है तो हम सीधे उसके प्रश्न को हल करके देखते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, एक दो प्रश्न इसमें से लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न लेते हैं हम इसमें। प्रश्न 6 लड़कों व 4 लड़कियों को एक पंक्ति में को कितने प्रकार से एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है जबकि कोई दो लड़कियां जबकि कोई दो लड़कियां एक दूसरे के पास पास ना हो, कोई दो लड़कियां एक दूसरे के पास पास ना हो। 6 लड़के व 4 लड़कियों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है जबकि कोई दो लड़कियां एक दूसरे के पास पास ना हो, यह हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले यदि हम छोटा सा एक लाइन लिख दें कि यदि लड़कों को बी से व लड़कियों को जी से प्रदर्शित करें तो निम्नानुसार खड़ा किया जा सकता है। अब हम ये बोले कि लड़कों और लड़की 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। लड़कों को हम बी से प्रदर्शित कर रहे हैं और लड़कियों को जी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बी मतलब लड़का हो गया, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हम ये थोड़ा सा भी स्थान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि बी बी बिंदु पर लड़के को खड़े करें और जी जी पर लड़कियों को खड़ा करें तो यहां पर आप देखो अभी हमको कितने मिल रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 स्थान लड़के के लिए मिल गए और लड़की के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 स्थान मिले हैं। लेकिन यदि इस बी स्थान पर हम लड़कियों को खड़े कर देते हैं थोड़ी देर के लिए तो दो लड़कियां फिर पास पास हो जाएंगे। ठीक है, हम एक और लेते हैं यहां पर बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहां पर हमको 7 स्थान दिख रहा है, 7 स्थान दिख रहा है बी का और जी का कितना स्थान दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पर देखो यदि हम इन 7 स्थानों में, ये जो 7 स्थान मिले हैं इसमें प्रारंभ में हमको एक लड़के का स्थान मिल रहा है, अंतिम में एक लड़के का स्थान मिल रहा है और बीच में 1, 2, 3, 4 और 5 स्थान लड़कों के लिए मिल रहा है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि पंक्ति के
पंक्ति के प्रारंभ में एक स्थान, अंत में एक स्थान तथा मध्य में पांच स्थान लड़कों के लिए कुल सात स्थान हैं। लड़कों के लिए कुल सात स्थान है। अब इन लड़कों के लिए जो सात स्थान है, इन सात स्थानों पर यदि हम लड़कियों को खड़े कर देते हैं, लड़कों के स्थान पे लड़कियों को खड़े कर देते हैं, तो वो एक दूसरे के पास पास, जहां लड़की है वहां लड़के हो जाएंगे और जहां लड़के हैं वहां लड़कियां हो जाएंगी। तो यहां हमको प्रश्न में ये बोला है कि दो लड़कियां पास पास नहीं होनी चाहिए, भले लड़के पास पास हो सकते हैं। जैसे यहां पर हम इस स्थान में लड़कियों को खड़े किए, तो ये एक दो तीन चार पांच और छह, छह तो लड़के हो गए और लड़कियां कितनी हैं, चार। यहां पर यदि चार लेंगे, एक दो तीन और ये चार लिए, तो इस पास जो है वो लड़के आ जाएंगे, इस जी के जगह भी लड़का आ जाएगा और बी के जगह तो लड़का ही है। तो दो लड़के हमारे पास पास हो सकते हैं, लेकिन दो लड़कियों को पास पास नहीं होना है। तो इसलिए पंक्ति के प्रारंभ में एक स्थान, अंत में एक स्थान तथा मध्य में पांच स्थान लड़कों के लिए कुल हमारे पास सात स्थान होते हैं। अब हम यदि इन सात स्थानों में चार स्थान पर लड़कियों को खड़ा करें, तो दो लड़कियां पास पास नहीं होंगी। इस तरीके से खड़े करने पर दो लड़कियां पास पास नहीं होती है। अब सात का स्थान है और सात स्थान में से हमको कितने को खड़े करना है, चार को खड़े करना है। तो हम यह बोल सकते हैं कि पंक्ति में खड़े करने की अभिष्ट विधियां या तरीके, यह हो जाएगा 7C4। पंक्ति में खड़े करने की अभिष्ट विधियां, सात स्थानों में चार को खड़े कर रहे हैं हम, तो 7C4, इसको हम हल कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4 और 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, या 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, तो 3 गुणित 2 गुणित 1, तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 कट गया, 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6, ये 2 एकम 2 और 2 बच के आ गया 7 गुणित 5, तो इस तरीके से आ गया हमारा 35, और यही 35 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से यदि 6 लड़कों और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में खड़ा किया जाए कि कोई भी दो लड़कियां एक दूसरे के पास पास ना हो, तो उस परिस्थिति में सबसे पहले हम उसको बनाने की कोशिश किए, लड़का लड़की करके, फिर स्थान देखे कितना स्थान आया, और लड़कों की जगह में लड़कियों को खड़े करने पर हमको हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद एक प्रश्न और देखते हैं, इसी से ही संबंधित, थोड़ा सा अलग।
प्रश्न है हमारा कि सात व्यंजनों और पांच स्वर स्वरों से, सात व्यंजनों व पांच स्वरों से कितने शब्द निर्मित किए जा, सात व्यंजनों और पांच व पांच स्वरों से कितने शब्द निर्मित किए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में, जबकि प्रत्येक शब्द में चार व्यंजन व तीन स्वर हो, जबकि प्रत्येक शब्द में चार व्यंजन व तीन स्वर हो। ठीक है, क्लियर हो गया प्रश्न, तो क्लियर है। स्वर और व्यंजन आप लोग जानते हो, हिंदी में या अंग्रेजी में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हमको ये बोला है कि सात व्यंजनों व पांच स्वरों से कितने शब्द निर्मित किए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में चार व्यंजन व तीन स्वर हो। तो सात व्यंजन में से हमको कितना व्यंजन लेना है? चार व्यंजन लेना है। सात में से चार व्यंजन लेना है, तो हम यहां पर लिखते हैं सात व्यंजनों से चार व्यंजन लेने के तरीके। अब सात में से चार लेंगे तो हम इसको 7C4 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से पांच स्वरों से तीन स्वर, पांच स्वरों से तीन स्वर लेने के तरीके बराबर 5C3। ये तो दोनों का अलग अलग हो गया, लेकिन हमको प्रश्न बोला है कि सात व्यंजनों और व पांच स्वरों से कितने शब्द निर्मित किए जा सकते हैं दोनों मिला करके। अभी तो दोनों अलग अलग थे, अब दोनों को जब हम मिला करके करेंगे तो हम इसमें ये लिखेंगे कि समूह, अतः समूह में शब्दों की संख्या, समूह में शब्दों की संख्या जिसमें समूह में शब्दों की संख्या जिसमें चार व्यंजन व तीन स्वर हो। अब दोनों साथ साथ चल रहा है, जिसमें प्रत्येक में समूह में शब्दों की संख्या जिसमें चार व्यंजन और तीन स्वर हो प्रत्येक में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दोनों साथ साथ चलेंगे तो 7C4 × 5C3। अब यहां पर हम एक चीज और देखते हैं, इसको चलो पहले हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 7/(4) और 7-4 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5/(3) और 5-3 का फैक्टोरियल, या इसी को हम आगे लिख दिए, ये हो जाएगा हमारा 7, 6, 5 और 4 का फैक्टोरियल बटे ये 4 का फैक्टोरियल, 7 में से 4 गया 3 बचा, तो 3×2×1 और इस तरफ आएगा 5×4 और ये 3 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल और 2 बचा तो 2×1। ये चीज क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसको हल कर लेते हैं, तो फैक्टोरियल 4 से ये फैक्टोरियल 4 कट गया, 3×3 और 3×2×6, 2×2 और 2×2। फिर ये फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3, 2×2 और 2×2×4, तो यहाँ 7×5=35 और 5×2=10, यह आ गया 350।
ठीक है, ये तो 350 वो शब्द बनेंगे जिसमें प्रत्येक शब्द में चार व्यंजन हो और तीन स्वर हो। अब ये जो चार व्यंजन और तीन स्वर हैं, उसको भी तो हम आपस में जगह को बदल सकते हैं, उनके भी जगह बदलेंगे कि नहीं, उसको भी हम कभी स्वर स्वर को एक साथ रख लिए, कभी व्यंजन व्यंजन को एक साथ रख लिए, या स्वर के बीच में व्यंजन डाल लिए, तो फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं कि प्रत्येक समूह के सात अक्षर भी फैक्टोरियल 7 प्रकार से लिख सकते हैं। प्रत्येक समूह के सात अक्षर भी फैक्टोरियल 7 प्रकार से लिख सकते हैं। अतः अभीष्ट संख्या, और ये जो अभीष्ट संख्या होगी ये क्या हो जाएगा हमारा 350 गुणित फैक्टोरियल 7। अब मैं यहां इधर लिख दे रहा हूं 350 सात गुणित छः गुणित पाँच गुणित चार गुणित तीन गुणित दो गुणित एक। अब इस पूरे का गुणा करना है, आपको मालूम है इसके गुणा में फैक्टोरियल 6 तक का गुणा मालूम है आपको, फैक्टोरियल 5 तक का गुणा, 5 तक का 120 होता है, 6 में 720 होता है, 7 का नहीं मालूम। ये होता हमारा 350 गुणित 5040। आप गुणा करके देखिएगा, आपका गुणा इतना ही प्राप्त होगा। अब 350 और 5040 को जब हम गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 1764 और ये 30। तो इतने तरीके से सत्रह लाख चौसठ हजार तरीका बनेगा, शब्द बनेंगे कितने में से, सात व्यंजनों में से यदि चार व्यंजन लिए, पांच स्वरों में से तीन स्वर लिए, और उससे जब शब्द बनाएंगे उसका जगह अदल बदल करके हम लिखेंगे तो इतने तरीके से इतने सारे शब्द बनेंगे। हो सकता है उसका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है, लेकिन इतने सारे शब्द हमारे बनेंगे। तो इसमें ज्यादा प्रश्न हमारे नहीं थे, 8-10 प्रश्न हैं, बाकी इस प्रश्नावली के प्रश्नों को आप हल करोगे, इन जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है उसको आप लोग उतारिए, और उसके बाद फिर संचय में यदि समूह बनते हैं और उन समूहों का हम विभाजन किस तरीके से करते हैं उस तरीके उसको हम ज्ञात करेंगे, उस तरीके को प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए लिखिए इसको, चलिए हो गया ये। इसके बाद हम लेते हैं समूहों का विभाजन। यदि हमारे पास कोई समूह दिया गया हो और उस समूह में संख्या p प्लस q हो, तो यहां पर हम लिखते हैं दी हुई समूह p प्लस q वस्तुओं समूह की P प्लस क्यू वस्तुओं को दो समूह
समूह है जिसमें जिसमें पी पी व क्यू वस्तुएं जिसमें पी व क्यू वस्तुएं हो विभाजित विभाजित करने के तरीके कोई दी हुई समूह है उस समूह में p प्लस क्यू वस्तुएं हैं कोई एक निश्चित संख्या है बोलना चाहिए p प्लस क्यू और को दो समूह में हम दो अलग अलग समूह में बांट रहे हैं जिसमें एक समूह में p वस्तुएं हों और दूसरे समूह में q वस्तुएं हों को विभाजित करने के तरीके यदि हम उसको विभाजित कर कितने तरीके से हम उसको विभाजित कर सकते हैं अब जैसे कि कुल संख्या है हमारा p प्लस क्यू और p प्लस क्यू कुल संख्या में से यदि एक में हम पीक संख्या को ले लें एक समूह में p को ले लें तो स्वाभाविक है दूसरे में कितना बचेगा दूसरे में कितना बचेगा q बचेगा तो इसका लिखने का तरीका यह हो सकता है कि p प्लस क्यू वस्तुओं में से p प्लस क्यू वस्तुओं में से p वस्तु एक समूह में लेने पर एक समूह p प्लस q वस्तुओं में से p वस्तु एक समूह में लेने पर q वस्तु ही स्वतः बचेगी स्वाभाविक है p निकल जाएगा तो हमारे पास q वस्तु ही बचेगा और q वस्तु बचेगा तो p प्लस q वस्तुओं से p वस्तु लेने के तरीके ये हमारा हो जाएगा p प्लस q c p p प्लस q में से क्या ले लेंगे p ले लेंगे इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं p प्लस q का फैक्टोरियल बटे p का फैक्टोरियल और p प्लस q में से हम p को माइनस कर दिए n माइनस r लिखते हैं ना तो n माइनस r की जगह क्या हो गया p प्लस q माइनस p अब ये p और p कट गया तो क्या बच गया हमारे पास p प्लस q का फैक्टोरियल बटे p का फैक्टोरियल और q का फैक्टोरियल तो जितने भागों में हम बांटते हैं दो भागों में उसको बांटे तो दो भागों में हम बांटे तो एक भाग में p आ गया तो दूसरे भाग में किसका फैक्टोरियल आ गया q का फैक्टोरियल प्राप्त हो गया अब इसको यदि हम इसी में यहां पर हम लिख दे रहे हैं यदि p व q बराबर हो तो p और q यदि बराबर होंगे तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा बराबर हो तो इसको इसी में आगे लिख देते हैं हम p प्लस p ये p बराबर हम q ले लिए तो p प्लस q की जगह भी p आ जाएगा का फैक्टोरियल और नीचे में फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल p इस q की जगह p आ गया इस q की जगह p आ गया दोनों बराबर हो गए तो p और p हो जाएगा 2p का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल p का वर्ग दो बार ही आ गया यही इसकी हमारी बोलना चाहिए अभीष्ट संख्या होगी यदि दोनों बराबर हैं उस परिस्थिति में लेकिन जब दोनों को हम बराबर बराबर बांटते हैं तो बराबर बराबर बांटने पर यह हमको दो बार प्राप्त होता है क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है और दो बार प्राप्त होता है ऐसा
हम लिख लेते हैं ऐसा हमें दो बार प्राप्त होता है, अतः हम इसको लिख सकते हैं 2p का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल का वर्ग। और तो जब हम दो समूह में उसको विभाजित करते हैं और p और q दोनों बराबर हों, और बराबर होने से हमको वो दो बार प्राप्त होता है, तो अभीष्ट संख्या हमको प्राप्त हो जाती है 2p का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल 2 और ब्रैकेट में p का फैक्टोरियल पूरे का वर्ग। अब यदि हम इसको तीन भागों में बांटें, यदि हम इसे यहां पर लिख लेते हैं, यदि p बराबर q बराबर r, तो उस परिस्थिति में जो अभीष्ट संख्या है वो तीनों बराबर हो जाएंगे, p प्लस q प्लस r की जगह 3p आ जाएगा, और इधर फैक्टोरियल p, सेकेंड बार भी फैक्टोरियल p और थर्ड बार भी हमारा फैक्टोरियल p होगा, तीनों यदि बराबर हैं उस परिस्थिति में। और यदि तीनों बराबर नहीं है, पहले उसको बता देते हैं, पहले उसको लिख देते हैं, यदि तीन भाग p q r में विभाजित करें तब संख्या ये होगा p प्लस q प्लस r का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r, तथा p बराबर q बराबर r हो तो पहला स्थिति तीन अलग बांट रहे हैं हम, यदि बराबर नहीं है तीनों अलग अलग हैं p q r, तो p प्लस q प्लस r का फैक्टोरियल बचे तीनों का फैक्टोरियल हो जाएगा, और यदि तीनों बराबर हैं तब अभीष्ट संख्या आ जाएगी हमारी बराबर p प्लस p प्लस p का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल p फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल p, या 3p का फैक्टोरियल बटे p का फैक्टोरियल पूरे का घात कितना हो जाएगा, ये 3। चूंकि तीन बार है इसमें तीनों बराबर है, तो ये यहां पर दो बार आ रहा था, यहां पर वो तीन बार आएगा इस परिस्थिति में, और तीन बार आएगा तो यहां पर फैक्टोरियल 3 उससे डिवाइड कर देंगे हम उसको। तो इस तरीके से समूहों का विभाजन करने पे हमको निम्न सूत्र प्राप्त होते हैं, और इन सूत्रों की सहायता से फिर हम इनके प्रश्न को हल करते हैं। चलिए इसके एक आध दो प्रश्न छोटे छोटे देख लेते हैं। प्रश्नावली 5.9, इसमें भी हमारे ज्यादा प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न देखते हैं कि कितने प्रकार से 17 पुरस्कार को, कितने प्रकार से 17 पुरस्कार को दो बालकों में बांटे जाएं, दो बालकों में बांटे कित
बांटे जाए कि एक को सात, एक को सात व दूसरे को दस पुरस्कार मिले। अब यहां पर देखो, हल में हमारा 17 पुरस्कार है और उसको कितने प्रकार से दो भागों में बांटा जाए कि एक को सात और दूसरे को 10 पुरस्कार मिले। मतलब यहां पर P और Q जो है दोनों का मान अलग अलग है, दोनों का मान अलग अलग है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बालक को 17 पुरस्कार में से 7 पुरस्कार देने के तरीके। अब दो बालक हैं, पुरस्कार में पहले वाले बालक को 17 में से कितना दे दिए, 7 पुरस्कार दे दिए। तो 17 में से 7 पुरस्कार देने के तरीके कितना हो जाएगा, 17C7। अब 17 में से तो 7 पुरस्कार निकल गया, अब शेष कितना पुरस्कार बचा, शेष कितना बचा, 10 बचा। तो अतः दूसरे बालक को शेष, 17 में से 7 पुरस्कार निकल गया तो दूसरे बालक को शेष 10 पुरस्कार में से, दूसरे बालक को कितना पुरस्कार देना है, 10। तो दूसरे बालक को शेष 10 पुरस्कार में से 10 पुरस्कार, 10 पुरस्कार देने के तरीके। 10 पुरस्कार में से 10 उसको देना है तो उसको 10C10 प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि दोनों का हमको निकालना है, एक का तो नहीं निकालना है ना, और दोनों साथ साथ क्रियाएं चलती है, अतः कुल अभिष्ट प्रकार, और कुल अभिष्ट प्रकार निकालने के लिए 17C7 इंटू 10C10 लिख लिए हम, 17C7 इंटू 10C10। अब इसका मान को ज्ञात करते हैं, अभिष्ट प्रकार बराबर फैक्टोरियल 17 बटे फैक्टोरियल 7 और 17 ऋण 7 का फैक्टोरियल गुणित 10 का फैक्टोरियल बटे 10 का फैक्टोरियल और 10 ऋण 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। 10 ऋण 10 एन ऋण आर लिखते हैं कि नहीं, ये क्या हो गया हमारा 17 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल और 10 में से 7 गया तो, सॉरी 17 में से 7 गया तो 10 का फैक्टोरियल, इधर 10 का फैक्टोरियल, ये 10 का फैक्टोरियल और 10 में से 10 गया तो 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये 10 का फैक्टोरियल और ये 10 का फैक्टोरियल को काट दिए, कितना आ गया 17 का फैक्टोरियल बटे ये 0 का फैक्टोरियल है ना, 7 का फैक्टोरियल गुणित 10 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, 1 होने के कारण ये 0 नहीं होगा नीचे। कई बार आप लोगों से ये गलती होगी कि 0 का फैक्टोरियल है तो 0 तो 0 ही होता है, नीचे में 0 रखो, गुणा कर दो, खत्म करो किस्सा। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। अब यहां पे 17 का फैक्टोरियल बटे 7 का फैक्टोरियल गुणे 10 का फैक्टोरियल आ गया और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यदि हम इसको हल करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी संख्या प्राप्त होगी, 17 फिर 16 फिर 15 14 पूरा सबका गुणा करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप गुणा करोगे उसमें गलती होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। आपको ये चीज क्लियर हो गया तो आप यहीं से भी इसको आंसर के रूप में लिख सकते हो, कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है यदि बहुत बड़ी संख्या मिल जाती है तो, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद एक आध प्रश्न और देख लेते हैं।
एक प्रश्न हम लेते हैं कि एक परीक्षार्थी को, एक परीक्षार्थी को 10 में से 6 प्रश्न हल करने हैं। एक परीक्षार्थी को 10 में से 6 प्रश्न हल करने हैं। कुल प्रश्न 5-5 के, कुल प्रश्न 5-5 के दो भागों में विभक्त है। ये जो 10 प्रश्न है, अ भाग में 5 प्रश्न और ब भाग में 5 प्रश्न, तो इस तरीके से कुल प्रश्न 5-5 के दो भागों में विभक्त है, तथा प्रत्येक भाग से, तथा प्रत्येक भाग से परीक्षार्थी 4 प्रश्न से अधिक नहीं हल कर सकता। कुल 6 हल करना है, 5-5 के दो भाग हैं और प्रत्येक भाग से वो 4 प्रश्न से अधिक हल नहीं कर सकता। कितने विभिन्न ढंग से वह 6 प्रश्नों को हल कर सकता है। अब हमको ये बताना है कि कितने प्रकार से, कितने विभिन्न ढंग, मतलब उसकी संख्या, अभीष्ट संख्या, कितने प्रकार से वो 6 प्रश्नों को हल कर सकता है। तो हम इसके हल में लिखते हैं कि परीक्षार्थी परीक्षार्थी निम्न प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकता है। अब दो भाग हैं, जैसे तो एक भाग में 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्न से वो अधिकतम कितने प्रश्न को हल कर सकता है, 4 प्रश्न को हल कर सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले नंबर में एक भाग से 2 प्रश्न तथा दूसरे भाग से 4 प्रश्न, यह हल कर सकता है। एक भाग से वो 2 प्रश्न को हल किया और दूसरे भाग से वो 4 प्रश्न को हल किया, तो उसका जो चुनाव का, प्रश्नों का चयन करने का जो कुल तरीका हो गया, अतः कुल तरीके बराबर 5C2 × 5C4। क्लियर हुआ? पहले स्थिति में एक भाग में 2 प्रश्न तथा दूसरे भाग से वह 4 प्रश्न को हल किया, तो हमारे पास एक भाग में कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न है, 5 में से कितना लिया वो 2, तो ये 5C2। दूसरे में 5 से कितना लिया 4, और दोनों चूंकि साथ साथ चल रहा है इसलिए कुल तरीके कितने हो गए 5C2 × 5C4। ठीक उसी तरीके से सेकेंड नंबर में एक भाग से 3 प्रश्न तथा दूसरे भाग से भी 3 प्रश्न, अब दोनों भाग से वो 3-3 प्रश्न को हल किया, तो कुल तरीके कितने हो गए, कुल तरीके 5C3 × 5C3, दोनों भाग से 3-3 प्रश्न हल किया। अब तीसरे नंबर में आते हैं, तीसरा नंबर आ जाएगा एक भाग से 4 प्रश्न व
दूसरे भाग से दो प्रश्न, अतः कुल तरीके बराबर 5C4 × 5C2। इतने चीज क्लियर हो गए तीनों का, क्योंकि उसको टोटल 6 प्रश्न हल करने हैं, एक भाग में वो 5-4 से ज्यादा हल नहीं कर सकता, तो तीन स्थितियां निर्मित होंगी। अब हमको इसका पूरे के अभीष्ट प्रकार बताना है, प्रश्न तो एक ही है ना, तो अब अभीष्ट प्रकार बताने के लिए अतः अभीष्ट प्रकार लिख लेते हैं। अतः 6 प्रश्न हल करने की अभीष्ट विधियां। अब इसको हम लिखे विधियां बराबर, यहां पर लिख दे रहे हैं हम, पहला वाला क्या आया 5C2 into 5C4 प्लस दूसरा वाला 5C3 into 5C3 प्लस तीसरा 5C4 into 5C2। इन सभी का मान को निकाल करके इसको आपस में जोड़ देते हैं, हल कर लीजिए। इधर लिख दे रहे हैं इसको फैक्टोरियल 5/2 और 5 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 3। ठीक इसी तरीके से फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 4, 5 में से 4 गया तो फैक्टोरियल 1, धन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और 5 में से 3 गया तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, और तीसरा स्थिति फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 गुणित फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। तीनों को लिख लिए, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ पे 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3 और 2 इंटू 1 गुणित फैक्टोरियल 3, और इधर 5 गुणित फैक्टोरियल 4 नीचे फैक्टोरियल 4 गुणित 1 धन। इस वाला का है हमारा दूसरे स्थिति का 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 गुणित फैक्टोरियल 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 गुणित 2 गुणित 1, और तीसरा स्थिति 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू 1 और 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3 बटे 2 गुणित 1 गुणित फैक्टोरियल 3। थोड़ा सा ध्यान से आपको लिखना है यहाँ पर, जब आप सभी का मान को रखें। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसको काट दो, यहाँ से फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, यहाँ से फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, इधर भी फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3। इसके बाद और भी काट सकते हैं हम, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। देखिए 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50। तो पहली स्थिति में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग उसको लिखते समय, 50, पहली स्थिति का 50 आ गया। दूसरा में देखिए, इसको हम 2 × 2 और 2 × 4 से काट दिए, और इधर 2 × 2 और 2 × 4, तो यहाँ पे 5 × 10 नीचे कुछ नहीं बचा, ये कट गया है, और यहाँ पर भी 5 × 10 नीचे कुछ नहीं बचा है, तो 10 × 100 हो गया। दूसरा स्थिति में 100 आ गया, और तीसरा स्थिति देखिए, ये 2 × 2 और 2 × 4, तो 5 × 10 = 50। पहला वाला और तीसरा वाला हमारा दोनों एक ही है, आपको यहाँ से पता चल जाता है। देखिए 5C2 गुणित 5C4, 5C4 गुणित 5C2, क्रम भर बदला हुआ है। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से ये आ जाता है
200। तो इस तरीके से हम देखें कि यदि एक परीक्षार्थी 10 में से 6 प्रश्न उसको हल करना हो और वो प्रश्न दो दो भाग में बटे हुए हों, एक प्रश्न में एक भाग में वो 4 प्रश्न से ज़्यादा हल नहीं कर सकता, तो उसको कुल 200 तरीके से उन प्रश्नों को वो हल कर सकता है। सिर्फ छोटे छोटे से गुणा भाग हैं तो इसमें आपको वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, और यदि आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप ही नुकसान में रहोगे। तो इस तरीके से प्रश्नावली 5.9 में भी आपके कुल 10 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हम आपको बता दिए, बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्नों को आप घर जा कर के अच्छे से करोगे, और न समझ में आए तो जो बताए हैं उसको फिर से वीडियो चालू करके देखोगे, फिर से समझोगे, और उसके बाद फिर उसको बनाओगे। नेक्स्ट अगले कालखंड में इसका अंतिम प्रश्नावली जो 5.10 है, जिसमें 3 भागों में बांटा जा सकता है, पी क्यू और आर, उस तरीके से कैसे हल करते हैं उसको बताएंगे। धन्यवाद।